अब हम चल। हेलो दोस्तों, जाबे ट्रैक्टर वर्कशॉप में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वराज 733 FE। दोस्तों हमारे वर्कशॉप पे क्यों किस लिए आया है, तो दोस्तों इसमें ये है कि जो रबड़ है इसको हमें रबड़ को लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको ढोलकी रबड़ भी बोलते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये कट जाएगा, यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर दिखाते हैं, अभी बाद में दिखाएँगे आपको। अगर ये आपका रबड़ कट जाएगा तो इंजन अगर चलेगा तो आपका इंजन जो है बैक कंप्रेसर देने लगेगा। अगर हल्का हल्का धूल जाएगा, एयर क्लीनर से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो यहाँ से जब धूल रेंचेगा तो इंजन यानी जो इंजन है बैक कंप्रेसर देने लगेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। और लगाएँगे कैसे, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। और वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हमने रबड़ को मंगा लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नया वाला, ये वाला फट चुका है, इधर से दिख नहीं रहेगा कैमरा में, यहाँ पे फट चुका है। इसको लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे दो बोल्ट लगे हुए थे, तो एक बोल्ट हमने पहले ही खोल लिया है। और यहाँ पे 13 नंबर का रिंच लेना है कुछ तरीके से, और इस क्लिप को ढील कर लेना है। तो बस आप लगाएंगे तो जल्दी से नहीं लगा पाएंगे, तो इस नट को जल्दी से खोल लेते हैं, तब आसानी से लग जाएगा रबड़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें भैया। बहुत छोटी वजह दिखने में है, मगर बहुत बड़ी बड़ी काम निकाल देती है ट्रैक्टर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने एयर क्लीनर को निकाल लिया और आसानी से रबड़ लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसका रबड़ जो कट चुका था, यहाँ पे आप देखिए इसी के लाने से दोस्तों ये धूल जब अंदर रहता है तो इंजन बैक कंप्रेसर देने लगता है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, और किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये फटेगा तो धूल आँचेगा तो इंजन बैक कंप्रेसर देने लगेगा। तो यहाँ पर हमने निकाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल इसमें धूल दिख रहा होगा, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इतना धूल निकल रहा है। ऐसे जब इंजन में रिंग पे जाता है ग्रुप पे, तो रिंग का जो ग्रुप है काट देता है और रिंग खियाने लगता है, इसीलिए बैक कंप्रेसर देने लगता है। तो यहाँ पे देखिए फटा था, तो इसको लगाने का सही तरीका यही है दोस्तों कि इसको आप यहाँ पे दो बोल्ट लगे होते हैं इसको निकाल लिया जाए, और इसके बाद में इसको यहाँ पर हिला देंगे और इसको यहाँ पर हिला देंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए, अभी हमको आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमको लगा लेना है, ऐसे यहाँ पे हमने लगा दिया, और लगाने के बाद में आपको इसी तरीके से यहाँ पे इसके अंदर लगा देना है। यहाँ पे आप देखिए स्टॉप कर दो, नीचे वाले मार देते हैं फूट ही जाएगी चीज़। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे लगा लिया कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पर नट लेना है, यहाँ पर लगेगा नट इधर से पत्ती में। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से रबड़ हमने लगा दिया, और बस आप लगाएंगे बिगर खोले ही तो आपका जो रबड़ है लगाते ही कट जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया, तो जल्दी से इसको हम कस लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो क्लिप है इसको टाइट कर देंगे। तो बहुत आसान तरीका आपको उन्हें बता दिया है रबड़ लगाने का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे।